इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आपसे कहूँगा आप सर्वकल्प क्वाथ का सेवन कीजिए, एक एक या दो दो चम्मच, रोग ज़्यादा है तो दो दो, नहीं तो एक एक चम्मच, सुबह दोपहर शाम तीन बार काढ़ा पीजिए आप, ज़बरदस्त। और इसके ऊपर तो अभी मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा हमने सर्वकल्प क्वाथ, मुक्तावटी, मधुनाशिनी, हृदय अमृत, अश्वशिला और बहुत से रस रसायन जो भस्में, जिनके ऊपर बहुत तरह के लोग कंट्रोवर्सी खड़ी किया करते थे, उनके ऊपर हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किए, उसमें सर्वकल्प क्वाथ के तो ज़बरदस्त रिजल्ट रहे। तो जिनको भी आपके किसी मित्र को, किसी परिजन को, किसी भी जो है आपके फैमिली फ्रेंड्स को, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, आप उनसे बोलो खान पान थोड़ा सामान्य कर दे, करना ही पड़ता है और कोई इलाज नहीं। कुछ लोग ज़्यादा अल्कोहल आदि भी पीते हैं, ज़्यादा तीखा तलावा खाते हैं और फिर कब्ज बहुत रहता है, और हाथों का लीवर का कोई एक्सरसाइज नहीं करते, ये एक्सरसाइज है। सर्वकल्प क्वाथ लीवर की औषधि, लीवर के लिए टॉनिक, कपालभाति इसका व्यायाम है, आंतरिक इंटरनल एक्सरसाइज, हेपेटाइटिस ए बी सी, इसके साथ हम सर्वकल्प क्वाथ के साथ टोटल अश्वनाक की छाल का भी हम काढ़ा बना करके पिला देते हैं, आरोग्यवर्धनी वटी, पुनर्नवादी मंडोर, फैटी लिवर में ये भी अच्छा काम करता है, पुनर्नवादी मंडोर, आरोग्यवर्धनी वटी, एक एक गोली दे देते हैं खाने के बाद, और जिसको जैसी अनुकूलता होती है पुनर्नवारिष्ट, कुमारी आसव या लोहासव पिला देते हैं, परमानेंट इलाज है। और कब्ज नहीं रहना चाहिए, उसके लिए सबसे अच्छा है त्रिफला चूर्ण, बहुत ही भयंकर कॉन्स्टिपेशन रहता है तो शुद्धि चूर्ण वो तो ज़बरदस्त है, नहीं तो फिर उदर कल्प चूर्ण, दिव्य चूर्ण, ये हरित की चूर्ण, ये अच्छे हैं, कब्ज नहीं रहना चाहिए। खैर, मैं आपसे बात कर रहा था लीवर के लिए, हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस, बाद में लीवर सिरोसिस बहुत बढ़ जाता है तो लीवर कैंसर हो जाता है, लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, एकमात्र उपाय सर्वकल्प क्वाथ। और इसके ज़बरदस्त रिजल्ट है, अगली बात कर रहा हूँ लीवर की बात, किडनी की, किडनी के लिए भी एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, ज़्यादा बढ़ जाता है तो दो से ज़्यादा क्रिएटिन हुआ तो फिर पहले डायलिसिस, बाद में किडनी ट्रांसप्लांट, ये इलाज नहीं है तो ऑपरेशन हुआ, ऑर्गन चेंज करना पड़ा। हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा होने पर या सोराइसिस बहुत ज़्यादा होने पर, लीवर फेलियर होने पर लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट इसे बचा सकते हैं, हमने लंग फाइब्रोसिस से लंग को भी ट्रांसप्लांट होने से बचाया, ज़बरदस्त। मैं कहता हूँ 99% आप अपने आप को दवाइयों से, ऑपरेशन से, रोगों से बचा सकते हैं, उनको परमानेंट मिटा सकते हैं, स्थायी उपचार उनका कर सकते हैं। किडनी के लिए प्राणायाम के साथ साथ, परहेज के साथ साथ, वृक्क दोषर क्वाथ, वृक्क दोषर वटी, इसका भी हमने क्लिनिकल कंट्रोल किया, ट्रायल किया आपकी जानकारी के लिए, बहुत लोगों को पता ही नहीं है, बहुत तरह की भ्रांतियाँ सुन रखी हैं, माना ज्ञान के कारण से और अलग अलग किसी भी नीम हकीम खतरे जान गलत लोगों के धोखा मिलने के कारण से, किसी भी कारण से किसी को कोई भी समस्या है उसका निवारण है। देखो आपको कितना ही धोखा मिला हो, विश्वासघात मिला हो, कहीं पर भी आपको ठगे गए हों, ठगी तो चारों तरफ है, चाहे डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, हकीम हैं, बाबा हैं, कोई भी अलग अलग तरह से, गलत लोग सभी जगह, अच्छे लोग सभी जगह, तो यदि किसी गलत व्यक्ति के कारण से आपके विश्वास पर ठेस पहुंची है, आपका भरोसा टूटा है, तो एक बार जो मैं कह रहा हूँ एक बार ट्राई करके देखिए किडनी के लिए, वृक्क दोषर क्वाथ, वृक्क दोषर वटी, फिर उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको और थोड़ी औषधियाँ देते हैं और प्राणायाम करवाते हैं, सुबह पीपल के पत्तों का रस, शाम को नीम के पत्तों का रस पिलाते हैं, 0.5-5 मिनट दबाते हैं, और हमने हजारों किडनी के पेशेंट्स को किडनी फेलियर से और किडनी ट्रांसप्लांट से बचाया है। एक बार ये ट्राई कर लीजिए ना, 1 से 3 महीने जो मैं बता रहा हूँ ट्राई कर लीजिए, फिर किडनी ट्रांसप्लांट तो कभी भी करा सकते हैं, उसके बाद कितने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं छोटे बड़े लोगों को आप देख रहे हैं, कई बार फिर ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है। चलिए इसी तरह से कुछ और बीमारियाँ जिनका एलोपैथी में कोई इलाज ही नहीं है, जैसे अब बालों का झड़ना, इसका तो कोई इलाज है ही नहीं, तो हम कहते 5 मिनट ऐसे कर लो भाई, शीर्षासन या सर्वांगासन कर लो, आंवला एलोवेरा जूस पी लो। देखो अब मैं साधारण चीजों पर भी आ रहा हूं,
जैसे मैंने कहा ना, घर में सर्दी जुकाम हो जाता तो स्वासारी लिक्विड और स्वासारी क्वाथ, खदिरा देवटी, लंगवा देवटी, कंठामृत, किसी को बुखार हो जाता तो गिलोय घनवटी, सुदर्शन घनवटी, ये रखा करो। दर्दों के लिए पीड़न तक ऑइंटमेंट, पीड़न बाम और दिव्य धारा, और सामान्यतः पीड़न तक वटी वातारी रखा करो। ये पेन किलर से भी बढ़ करके है। खैर, ऐसे ही कुछ और चीज़ें मैं बता रहा हूँ विकल्प के तौर पर, जैसे बीपी है, शुगर है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, आप इनके एलोपैथी की दवाइयाँ खाते खाते पूरी ज़िंदगी गुजर गई, और इसके कितने कॉम्प्लिकेशंस हैं, किसी को तो मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो बीपी के लिए आप एक बार मुक्तावटी और जो है लौकी का जो स्ट्राई करने में दिक्कत क्या आपको, और थोड़ा सा प्राणायाम, अनुलोम विलोम, शीतरी शीतकारी भ्रामरोध की थी, पांच प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ा शवासन कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, ठीक हो जाएगी। शुगर के लिए मधुनाशिनी, गिलोय घनवटी में दिक्कत क्या है, थोड़ा ट्राई करके देख लीजिए। और थोड़ा जो मैं आसन बताता हूँ, मुंडू का आसन और उत्तानपादासन, नौकासन, इतना ही कर लिया तो भी आप कि शुगर क्यों हो जाएगी, इंसुलिन तक धीरे धीरे बंद हो जाएगी आपकी। इसी तरह से थायराइड के लिए कपालभाति, उज्जायी, सिंहासन, सर्वांगासन, हलासन, जितना बन पाए, और थोड़ा थायराइड का पॉइंट दबा लीजिए, और थोड़ा त्रिकुटा और जो है बहेड़ा और गोदंती थोड़ा ले लीजिए शायद से। कोलेस्ट्रॉल के लिए तो मैं कहता हूँ पहले ही दिन से दवाई लेने की जरूरत नहीं आपको, और उसके कारण से तो कितने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कोलेस्ट्रॉल के कारण से, तो बहुत खतरनाक है कोलेस्ट्रॉल के कारण से, हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल के कारण से, ब्रेन हेमरेज कोलेस्ट्रॉल के कारण से, जो है पैरालिसिस, क्या क्या नहीं होता। अर्जुन की छाल, दालचीनी और लौकी का जूस। खैर, वापस मैं आ रहा हूँ। अब और विकल्प है खाने पीने की चीज़ों, आपके सामने बहुत विकल्प हैं, लगाने के लिए बहुत से विकल्प हैं। अब मैं इसको समेटता हुआ 5-7 मिनट में अपनी बात पूरी करूँगा। शैम्पू के बहुत सारे विकल्प हैं आपके लिए, लेकिन केश कांति शैम्पू, केश कांति हेयर कंडीशनर, केश कांति तेल, इसलिए इनका विकल्प नहीं कि नेचुरल है, और जो बाकी हेयर ऑयल से मैक्सिमम 99% जो बाजार में हेयर ऑयल मिलते हैं उनमें मिनरल ऑयल मिला होता है जो कैंसर कारक होता है, आप देख लीजिए पैकिंग उठा करके। तो हमने बालों के लिए शैम्पू का अच्छा विकल्प दिया आपको। ये औषधियों के मैंने बारे में बात की, जीवन के बारे में बात की कि तामसिक, रासिक, सात्विक, दिव्य जीवन में कौन सा विकल्प आप चुनते हैं, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव का कौन सा विकल्प आप चुनते हैं, जिंदगी के हर क्षेत्र में, चाहे आपका स्टडी है, चाहे आपका करियर है, चाहे इंडस्ट्री है, जो है कहीं पर भी आप कोई विकल्प तो आपको एक चुनना पड़ेगा, और वो विकल्प ऐसा होना चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ हो। तो मैं आपको सर्वश्रेष्ठ विकल्प, अल्टीमेट प्रोडक्ट किसके लिए, बालों के लिए केश कांति अल्टीमेट है, शैम्पू, हेयर कंडीशनर, हेयर ऑयल। उसमें आपके नेचर के अकॉर्डिंग हमने अलग अलग प्रकार के केश कांति, नेचुरल केश कांति, एंटी डैंड्रफ केश कांति, मिल्क प्रोटीन केश कांति, एलोवेरा, रीठा, सिकाकाई, और केश कांति, कोकोनट हेयर वाश, ये सब। अभी तो केश कांति हमने कलर का भी अच्छा विकल्प दे दिया आपको, ब्लैक से लेकर के, नेचुरल ब्लैक से लेकर के, ब्राउन से लेकर के, ज़बरदस्त विकल्प। बाकी कलर्स का निरंतर इस्तेमाल करने से लोगों के आँखों की समस्या से लेकर के अंधे तक हो जाते हैं और स्किन खराब हो जाती है, अलग अलग प्रकार के रिएक्शंस और होते हैं, बहुत लोगों ने बहुत वर्षों से कहा, इसलिए हमने ये तैयार किया केश कांति नेचुरल कलर भी। खैर, ऐसे हेयर जेल हैं और बाकी सब चीज़ें हैं, मैं अभी समापन की ओर हूँ। टूथपेस्ट का हमने आपको दंत कांति का अच्छा विकल्प दिया, उसमें जिसको जैसा प्रयोग करना, बच्चों के लिए जूनियर, जिनको सेंसिटिविटी है उसके लिए मेडिकेटेड, जिनको जो है बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस के लिए, बच्चों में बहुत ज़्यादा शौक है तो उसके लिए एक्टिव फ्रेश, और जो रेड पेस्ट यूज़ कर रहे थे वर्षों से उनके लिए भी एक अच्छा विकल्प है दंत कांति रेड। फिर एलोवेरा का टूथपेस्ट, किसी किसी के दांत मसूड़े बहुत नाजुक होते हैं, उनके लिए एलोवेरा ज़बरदस्त है। विदेशी कंपनियाँ 500 रुपये में उपलब्ध करा रही थी, हम 50 रुपये में आपको देते हैं एलोवेरा का दंत कांति जो टूथपेस्ट है, एक नेचुरल है जो सबको पता ही है किस तरह से हमने कोलगेट को टक्कर दी, और उससे जिसके कोलगेट के प्रयोग करते करते जिनके दांत खराब हो गए थे, मसूड़े खराब हो गए थे, उनको ठीक किया। विदेशी कंपनियों के शैम्पू प्रयोग करते करते जिनके बाल खराब हो गए थे उनको ठीक किया। जिनके विदेशी कंपनियों के अलग अलग प्रकार के पाउडर और क्रीम्स यूज करते करते जिनकी स्किन खराब हो गई थी उनको हमने फेस वाश का अच्छा विकल्प दिया, पतंजलि सौंदर्य फेस वाश से लेकर के लेमन हनी और अलग अलग प्रकार के नीम और तुलसी, सब अच्छे फेस वाश दिए हमने। एलोवेरा जेल दिया आपको, ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, और जितने भी जो है एंटी एजिंग से लेकर के स्वर्ण कांति से लेकर के बोरस सेप से लेकर के, और जिनको बहुत अधिक एड़ियाँ फटती हैं तो क्रैक हील से लेकर के, क्या नहीं दिया हमने आपको, बॉडी लोशन। तो
स्किन के लिए क्रीम और जो फेस वाशेज और एलोवेरा जेल तो अल्टीमेट है, अल्टीमेट। आप खुद फर्क महसूस करेंगे पहले ही दिन से, बहुत लंबी प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं। और 7 दिन में तो आपको आपके घर वाले, पड़ोसी, आपके फ्रेंड्स कहने लगेंगे आपकी स्किन में तो बहुत एकदम डायनेमिक जो है चेंज आया है, ये क्या किया आपने, आप खुद देख लेंगे। और अलग अलग तरह से शादी ब्याह पार्टियों में और अलग अलग ऑफिसों में बहुत सी लेडीज़ को, एयर हॉस्टेस को तो मेकअप जरूरी होता है, फाउंडेशन और बाकी चीज़ें लगा के पूरी चमड़ी ख़राब हो जाती है, उसके लिए भी विकल्प हमने दिया। साबुन में भी केवल केमिकल्स के साबुन लगाते रहते हैं, उसके लिए हमने एलोवेरा से लेकर के हल्दी चंदन से लेकर के और एक्वाफ्रेश, मोगरा, पंचगव्य, अलग अलग प्रकार के स्वस्थ विकल्प बाथ सोप के, आप नीम से लेकर के और हल्दी चंदन एलोवेरा से लेकर के मुल्तानी मिट्टी से लेकर के, जैसे सबकी स्किन की एक जैसी मन का नेचर नहीं होती, अपने स्किन की नेचर के अनुसार आप इस नेचुरल प्रोडक्ट्स को चुने बात सब। इसी तरह से हमने जो है केश कांति, दंत कांति, बाथिंग सोप और अलग अलग प्रकार के नेचुरल क्रीम्स, मॉइस्चराइजर्स से लेकर के, और आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत का, माताओं बहनों के लिए सुहाग टीका, उनके लिए आँखों के लिए काजल और क्या क्या नहीं बनाया, सब आपके लिए उपलब्ध है। डिशवाश का भी अच्छा विकल्प, राख, नीम और नींबू के साथ, अब उससे आपके जो हाथ उस केमिकल वाले डिशवाश से प्रयोग कर करके बेकार हो गए तो ठीक हो जाते हैं। वॉशिंग पाउडर का अच्छा विकल्प दिया हमने, फ्लोर क्लीनर का, ग्लास क्लीनर का अच्छा विकल्प दिया, गोनाइल से लेकर के प्रिस्टीन से लेकर के अलग अलग प्रकार, टॉयलेट क्लीनर का कोई विकल्प ही नहीं था स्वदेशी, हमने वो भी ग्रीन फ्लश दिया। और अब मैं अंत में घी का, गाय का घी स्वस्थ विकल्प दिया हमने, तेलों में नेचुरल ऑयल, कच्ची घानी का सरसों तेल, बाकी नेचुरल ऑयल के साथ फिजिकल रिफाइंड ऑयल, एक जैसा ऑयल, एक जैसी दालें, एक जैसे अनाज आपको नहीं खाने चाहिए, उसके लिए भी हमने अनाजों का, दलिये का, ब्रेकफास्ट सीरियल्स का, बिस्किट्स का, ट्रांसफैट, कोलेस्ट्रॉल, मैदा रहित बिस्किट का विकल्प दिया, क्या क्या नहीं किया हमने, शहद का अच्छा विकल्प दिया, च्यवनप्राश का अच्छा विकल्प दिया, जो आपकी ज़िंदगी के चाहे जूसेज हैं उनका अच्छा विकल्प दिया, मसालों का अच्छा विकल्प दिया। खैर एक लंबा संसार है, और अब तो यदि कपड़ों की बात करें तो कपड़ों के अच्छे विकल्प हैं, किड्स वेयर से लेकर के लेडीज जेंट्स के, स्पोर्ट्स के, एक्टिव वेयर से लेकर के सब चीज़ों के अच्छे विकल्प हमने आपको दिए। पशुओं के लिए पशु आहार का अच्छा विकल्प दिया, दुग्धामृत और जो है उन कैटल फीड्स के तमाम चीज़ें, अब तो सोलर लाइट का भी हम अच्छा विकल्प आपको उपलब्ध करा रहे हैं, खाद के भी अच्छे विकल्प PBR में उपलब्ध करा रहे हैं। इन पिछले 25 सालों में आप सबके आशीर्वाद से, भगवान के अनुग्रह से, ये जो कुछ हुआ यह दुनिया के लिए एक आश्चर्य है। मैं आप सबसे कहूँगा आप इस अभियान में सपोर्ट कीजिए, और ये जो तमाम तरह का पूरे देश में षड्यंत्र चलता है, एक दुष्प्रचार चलता है, विदेशी कंपनियों का एक आर्थिक और सांस्कृतिक जो विध्वंस, एक लूटमार, आर्थिक और सांस्कृतिक गुलामी, उससे इस देश को बचाने के लिए और सभी तरह से अपने भीतर अपनी निजता का गौरव प्रतिष्ठापित करने के लिए आप योग, आयुर्वेद, स्वदेशी को अपनाइए, पतंजलि को ताकत दीजिए। और क्योंकि पतंजलि को इसलिए भी ताकत दे रहे हैं कि पतंजलि में आपका 1 रुपये से लेकर के जो भी आपका कंट्रीब्यूशन जाता है वो देश की सेवा में लगता है, उसके पीछे स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण का कोई स्वार्थ नहीं है, ये सारा कार्य परमार्थ के लिए है, कमाई के लिए नहीं, देश की भलाई के लिए है, यह अपना प्रॉफिट या अपना कोई प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के लिए नहीं, ये कैरेक्टर बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग के लिए है। आइए हम सब मिलकर के अपनी इन प्राचीन परंपराओं की ओर लौटें और जीवन के सही विकल्प चुनें, और दूसरों को भी सही विकल्प चुनने के लिए आप प्रेरित करें। दुष्प्रचार और षड्यंत्र जो चल रहे हैं उसकी जगह अच्छी बातों का प्रचार करें, यही एकमात्र समाधान है इस भारत को परम वैभवशाली जगत गुरु विश्वगुरु बनाने का।